से तो नहीं बाहर आ सकता मैं, नहीं क्योंकि 3-6 होने पैसे भाई दा वीडियो को रेडी रहे रतंगी। इस वीडियो दा जाचे कम दे लो दे रोड सरा मुसाफर रोड सरा योखपल करीबी दोस्त चे कम दे दा से चल कड़ी दी मोबाइल आईफोन मोबाइल ये वाला गिफ्ट कड़ी दी पागे पक्कवर की वाले चे कम दी पाग डब्बी के वाला ड्रग सीखी दी او دا غریبی چې کم دی نو 15 سال د پاره کېد شوی او بس د دغو ځان نه چې کم دی نو لو موړو او بس عمران خان سره دی الله خو کی د دو حکومت رالو دی کې آزاد شو گینی سو د غې نو وسه سیلې نو او ګوره دا ویډیو ګوره په خپل ووره یې کسی یار دوست نه گیفت دیا تا میرے کو معلوم نہیں تھا موبائل فون تا آئی فون اور اس کے اندر ڈرگز تھا ये तो बड़ा सख्त वहाँ पे जुर्म पहले तो कसास था सर काट था फिर 15 साल हो गए फिर इमरान खान की मेहरबानी है उसकी वजह से हम निकला 5 साल तो जब जेल गए होंगे तो आपने सोचा होगा कि अब यहाँ से तो नहीं बाहर आ सकता मैं नहीं क्योंकि 3-6 होने फैसला किया था कसास के निकलने की तो कोई चांस ही नहीं था ड्रग्स रखना और वहाँ पर तो एयरपोर्ट का तो ये ऑलरेडी कसास है पता चला कि इसके अंदर ड्रग्स है और वहाँ पे क्या अभी भी मुझे पता नहीं चला कि जब वो लोग मोबाइल का डब्बी तोड़ का और मोबाइल की डब्बी नहीं था पूरा ड्रग्स था तो आपने बताया नहीं उनको कि ये मेरा तो नहीं है मुझे किसी ने वो मान लिया मैं बोला ये किसी का है आईफोन स्टिकर उस पे लगा था मोबाइल जैसा बना था लेकिन उसके अंदर सारा आइस था ये गिफ्ट किसने दिया वो एक है इधर ही है तो आपने वो आपके जानने वाला ही है बाद में आपने उसको तो बड़ा कोसा होगा कि यार ये इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की जिंदगी तो बर्बाद की है अभी तो उसे हिसाब तो लेना ही पड़ेगा क्या करने वाले अगर चाहे हुकूमत मुझे जो भी करना है लेकिन उससे मैंने हिसाब लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कसास हुए ऑलरेडी मैं मर चुका हूँ घर के लिए घर वालों को कब पता चला कि आप कैद हो गए उसी टाइम पता चला उसी दिन मैं कॉल किया कि हम कैद हो गए और इसी मुश्किल हालत में कैद हो पहले कसास यानी कि जान जानी थी आपकी फिर 15 साल के ऊपर हुए 15 साल हो गए कब पता चला कि मैं रिहा हो जाऊंगा कोई भी पता नहीं इमरान खान आया ये 2 हफ्ते पहले 27 रमजान पे आया था उसने जब बात किया फिर हम दुआ नफल दुआ हर वक्त लेकिन आप क्या करते थे 24 घंटे जेल के अंदर सारी जिक्र इबादत है उधर क्या है और कुछ भी नहीं खाना शाना सही मिलता खाना शाना तो वो अगर मैं बात करूं सऊदी की पाकिस्तान 200 साल बाद भी उधर नहीं पहुंचेगा कौन सा वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा रिश्तेदार याद आया वालदैन बहन भाई बीवी बच्चे सब जिसके पास भी हाथ मिलाएगा तो सब आपको याद आएगा उधर क्योंकि वो तो ऐसे हालत है जो मौत के मुंह से हम लोग ने बीवी बच्चे हैं हां अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे को पता चला कि आप क्या दो उसी टाइम में उसको कॉल किया कि हम कैद हो गए और ऐसी मुसीबत में सबसे पहले जाके किसे मिलेंगे सबसे पहले पापा से मिलेंगे इंशाल्लाह भाई तो अल्लाह ने दिया नहीं है अंदर बैठ के सबसे कोई अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार ये मैंने क्या गलती की मैं इधर आ गया कैसे हुआ बस मैं ये गलती किया कि यार ये मोबाइल में उस वक्त अगर खोल लेता था तो ये नहीं होता था लेकिन हम जल्दीबाजी में था बोर्डिंग कार्ड की वक्त खत्म हो रहा था एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट वालों की भी गलती थी कि उनको चेक नहीं किया आपको इधर चेक नहीं किया गया वहाँ पर जाके चेकिंग हुई वहाँ पर जाके ये चीज वजीर आजम साहब से कुछ कहना चाहेंगे वजीर आजम इमरान खान से हम उसकी शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह हमको यही रईस दोबारा भी आने वाले इंशाल्लाह आएगा लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही बंदा हमको चाहिए पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह पर जेलों में तो बड़े लोग पाकिस्तानी होंगे उनसे मिलते थे क्या कहानी है 30,000 लोग हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है ड्रग्स के काम में फंसे हुए वो इसी तरह गलत फहमी में कि खुद लेके जाते हैं भाई किसी बेचारी को मालूम नहीं है दुबई भाई चे सो कम दर तदासी से सीज दर कई पहले गोरे चे कवे खास कर दा मुसाफर वो दुनिया के दासे डेर खलक था चेता सो बदो का कई और कोशिश पर गई नो बाहर हाल था सो कोशिश कवे चे कलम बाहर जे नो कोशिश कवे चे सोक दर लसे सीज दर कई अगा गोरे डेर मेरा बानी वीडियो का तो दा पारा